हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 44। और चैप्टर 44 क्या है? मैजिक ऑफ म्यूज़िक। तो मैजिक ऑफ म्यूज़िक के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या म्यूज़िक क्या होता है, म्यूज़िक के बारे में जानते हैं। म्यूज़िक इन आर्ट ऑफ होस्ट मीडियम इज साउंड एंड साइलेंस। तो म्यूज़िक देखिए क्या है, ये एक आर्ट है, ठीक है ना। इसमें साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, साथ ही साथ साइलेंस भी प्रोड्यूस करते हैं। द वर्ड म्यूज़िक कम फ्रॉम द म्यूज़ेस। तो जो म्यूज़िक वर्ड है वो किस वर्ड से मिला है? म्यूज़ेस वर्ड से मिला है। और ये म्यूज़िस वर्ड क्या है? ये ग्रीक गॉडेस है, यानी कि ग्रीक कंट्री के जो गॉड थे, ठीक है ना, गॉडेस ऑफ म्यूज़िक। तो गॉडेस ऑफ म्यूज़िक का नाम क्या था ग्रीक में, ठीक है ना, ग्रीक कंट्री में, तो उनका नाम था म्यूसेस, ठीक है ना। तो म्यूज़िक और डांस के ये गॉड थे, ठीक है ना। और देखिए, जो पुराने ज़माने के लोग थे, पुराने ज़माने के लोग क्या करते थे, पत्थरों को टकरा के क्या करते थे, म्यूज़िक प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। इन म्यूज़िक ए नोट इज़ अ स्मॉल बिट ऑफ साउंड। तो देखिए, जो नोट होता है, नोट को हम क्या कहते हैं, स्मॉल बिट ऑफ साउंड। फिर है पिच। पिच मीन्स हाउ हाई और लो अ नोट इज़। तो देखिए, पिच का मतलब क्या होता है कि साउंड जो है, ठीक है ना, वो कितना हाई है कितना कम है, ठीक है ना, जो तो नोट है उसका कितना हाई कितना लो है। फिर है देयर आर सेवन मेन म्यूजिकल नोट। तो देखिए, सेवन तरीके के म्यूजिकल नोट्स होते हैं, कौन कौन से, ए बी सी डी ई एफ जी, और इनको हम कहते क्या हैं, सा रे गामा पा धा नी, ठीक। चलिए आगे आते हैं। द प्लेसिंग ऑफ ए साउंड इन टाइम इज कॉल्ड रिदम। देखिए, जब हम साउंड को सही टाइम पे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिदम बोलते हैं। इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ सेट ऑफ साउंड। तो देखिए, इसमें क्या होता है, ये रिपीटेशन होता है सेट ऑफ साउंड का, साथ एक पीरियोडिक इंटरवल्स पे। ए मंकी बैंगिंग ए ड्रम इज नॉइस। अब जैसे मान लीजिए कोई मंकी है, ठीक है ना, वो अगर ड्रम बजा रहा है तो कैसा बजाएगा, एक अनप्लीजेंट साउंड बजाएगा जो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। और जो चीज़ें अनप्लीजेंट होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉइस के नाम से जानते हैं। वेन वेन प्लेड इन रिदम मैनर इट इज़ म्यूजिक टू आवर ईयर। लेकिन जब वही चीज़ पीरियोडिक इंटरवल्स पे बजती है, अच्छे तरीके से बजती है, तो एक गुड साउंड प्रोड्यूस होता है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं। द क्वायर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु सिंग टुगेदर। तो क्वायर हम उन्हें कहते हैं जब बहुत सारे लोग एक साथ गाना गाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, क्वायर कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल, जब बहुत सारे लोग एक साथ गाना गाते हैं, ठीक है, उनका एक ग्रुप होता है 10-15 लोगों का, 5 लोगों का, 6 लोगों का, ठीक है। दे रिहर्स टुगेदर एंड सिंग कंसर्ट फॉर द रिलीजियस सर्विस। देखिए, ये लोग कब गाना गाते हैं, किसी कंसर्ट में हो गया, किसी रिलीजियस एक्टिविटी पे हो गया, इन सब जगहों पे ये लोग गाना गाते हैं। ए पार्ट ऑफ द सॉन्ग दैट रिपीटेड अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड चोरस। और उसमें देखिए, कई बार ऐसा चीज़ होता है जिसे हम बार बार रिपीट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कोरस। एन ऑर्केस्ट्रा इज द लास्ट ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन हु प्लेड टुगेदर वेरी रिसेंटली। देखिए, ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है कि बहुत तरीके के लोग रहते हैं और अलग अलग तरीके का यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, ठीक है। ऑर्केस्ट्रा ज़्यादातर आपका गांव में होता है, विलेजेस में होता है, ठीक है ना, विलेजेस में होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों ये इतना हमने पढ़ लिया, अब आगे पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे है मैन म्यूज़िक एंड एनिमल्स। देखिए, जो इसमें क्या लिखा हुआ, म्यूज़िक मेक्स एवरी वन हैप्पी। म्यूज़िक सबको खुश रखता है। म्यूज़िक कैन बी यूज टू चेंज ए पर्सन मूड। और म्यूज़िक किसी जो पर्सन है उनके मूड को भी चेंज कर सकता है। इट एक्टिवेट्स द माइंड, और ये माइंड को एक्टिवेट करता है। म्यूज़िक हेल्प्स टू इम्प्रूव मेमोरी एंड इंक्रीज लर्निंग पावर। और म्यूज़िक हमारे लर्निंग पावर को भी इंक्रीज करता है। फिर हम आते हैं एनिमल लव म्यूज़िक टूल्स। और एनिमल्स जो होते हैं वो भी म्यूज़िक को क्या करते हैं, प्यार करते हैं। इट इज़ प्रूव दैट म्यूज़िक कैन हेल्प काउस गोस मोर मिल्क। देखिए, इसका मतलब क्या है कि अगर जो एनिमल्स होते हैं उनको म्यूज़िक सुनाई जाए, जैसे कि काउ, तो वो नॉर्मल टाइम से ज़्यादा दूध देती हैं, ठीक है। चलिए, डू प्लांट्स लाइक म्यूज़िक। क्या जो प्लांट्स होते हैं वो भी गानों को सुनते हैं? तो बिल्कुल सही बात है। और इस चीज़ को प्रूव किया था हमारे इंडिया के जो साइंटिस्ट थे, जगदीश चंद्र बोस ने, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, बहुत काम किया इन्होंने प्लांट के बारे में, ठीक है ना। अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है इन्होंने प्रूव किया, प्लांट्स ग्रो फास्टर एंड सॉफ्ट प्लीजेंट म्यूज़िक। देखिए, अगर प्लीजेंट अच्छी खासी म्यूज़िक चल रही है, तो प्लांट जो होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से भी ग्रो करते हैं, ठीक है। हाउएवर दे डू नॉट लाइक हार्ड लाउड म्यूज़िक इन, और ये लोग बहुत ही ज़्यादा हार्ड म्यूज़िक और बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक पसंद नहीं करते हैं प्लांट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है,
देखिए, लाउड म्यूजिक इन विच देयर ग्रोथ स्टॉप्स, और इनकी जो ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे स्टॉप होने लगती है, व्हेन सेटिंग विद प्लांट्स गो बाय देयर चॉइस, ठीक है ना। और जो प्लांट्स होते हैं उनका अपना खुद का भी चॉइस है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। म्यूजिक इज़ द नेम आफ्टर विच एंशियंट ग्रीक गॉड, तो कौन थी ये जो गॉडेस थी, इनका नाम था म्यूसेस, ये डांस और म्यूजिक की गॉड थी। इन म्यूजिक विच फोर लेटर हैड डिस्क्राइब द स्मॉल बिट ऑफ साउंड, तो स्मॉल बिट ऑफ साउंड को हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं नोट, ठीक। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच टर्म डिस्क्राइब हाउ हाई और लो इज नोटिस, तो जो नोट है उसे हाई और लो हम किसे कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं पिच को, PITCH, पिच। इन अ म्यूजिक विच वर्ड डिस्क्राइब द रेपिटेशन ऑफ सेट ऑफ साउंड एट द पीरियोडिक इंटरवल्स, तो पीरियोडिक इंटरवल्स पे जो आपका साउंड प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिदम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिदम, ठीक है। अगला है फाइव नंबर, व्हाट डू यू कॉल ए ग्रुप ऑफ पीपल हु रिहर्सिंग टूगेदर, तो जो रिहर्सल करते हैं साथ ही साथ एक साथ गाना गाते हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं, क्वायर बोलते हैं, CHOIR। अगला है सिक्स नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू यू कॉल ए लार्ज ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन हु प्ले टूगेदर वेरियस इंस्ट्रूमेंट, जो अलग अलग तरीके का इंस्ट्रूमेंट बताते हैं, तो उनमें क्या कहते हैं, उन्हें ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। अगला है सेवन नंबर, नेम द एक्टिव साइंटिस्ट हु प्रूव दैट म्यूजिक हैड ए गुड इफेक्ट ऑन प्लांट्स, तो म्यूजिक उनको अच्छा इफेक्ट डालता है प्लांट्स पे, ये चीज़ किसने बताई, तो ये साइंटिस्ट थे, इनका नाम था जगदीश चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बोस, ठीक है। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर एट, क्या लिखा हुआ है, सेवन म्यूजिकल नोट्स, सेवन म्यूजिकल नोट्स कौन कौन से हैं, तो यह सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। तो ये आपके सेवन इंस्ट्रूमेंट, सेवन म्यूजिकल नोट्स है, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।